दोस्तों, जहां पर टीवी इंडस्ट्री में नजर आने वाली कई सारी अभिनेत्री अपने आप को मशहूर करने के लिए कई सारे सीरियल में अभिनय करती हुई नजर आती है, तब जाकर वो मशहूर होती है। तो वहीं पर कुछ ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो अपने फर्स्ट सीरियल से ही लाखों करोड़ों दर्शकों पर अपना जादू चला देती है और उन्हें अपना दीवाना बना लेती है, जिसके बाद से दर्शक इनसे ये उम्मीद करते हैं कि ये अभिनेत्री और भी कई सीरियल्स में अभिनय करती हुई नजर आएंगी। लेकिन उनमें से ज्यादातर एक्ट्रेस कुछ समय बाद गुमनामी की जिंदगी जीने लगती है। टीवी से वो इस कदर दूर हो जाती है कि कभी किसी को नजर नहीं आती। तो आखिरकार क्यों और किस वजह से वो अभिनेत्री टीवी इंडस्ट्री से दूर गुमनामी की जिंदगी जी रही है, क्या है इसके पीछे की वजह, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में और हम आपको बताएंगे 10 अभिनेत्रियों के बारे में। नंबर 1, दृष्टि धामी। इस लिस्ट की पहली कड़ी में अभिनेत्री दृष्टि धामी का नाम शुमार है, जो मधुबाला सीरियल में मधुबाला का किरदार निभाकर मशहूर हो चुकी है। तो क्या ये अभिनेत्री भी गुमनामी की जिंदगी जी रही है? तो आपको बता दें, ये अभिनेत्री फिलहाल टीवी सीरियल से दूरी बनाकर अपने पति के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही है। नंबर 2, सनाया ईरानी। इस प्यार को क्या नाम दो सीरियल में खुशी कुमारी गुप्ता का किरदार निभाकर मशहूर हो चुकी अभिनेत्री सनाया ईरानी आखिरकार क्यों गुमनाम की जिंदगी जी रही है? आपको बता दें, ये अभिनेत्री इन दिनों पर्सनल लाइफ में बिजी है, जिसके चलते टीवी इंडस्ट्री से दूर है। नंबर 3, कांची सिंह। साल 2003 में आए सीरियल कुटुंब से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री कांची सिंह आखिर क्यों गुमनामी की जिंदगी जी रही है? तो आपको बता दें, अभिनेत्री टीवी इंडस्ट्री से गुमनाम नहीं हुई, बल्कि कुर्बान हुआ सीरियल में अनम खान का किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। नंबर 4, रिया शर्मा। पिंजरा खूबसूरती का सीरियल में मयूरा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रिया शर्मा आखिरकार क्यों गुमनामी की जिंदगी जी रही है? तो आपको बता दें, ये इनके एक्टिंग करियर का पहला सीरियल है। इसके बाद से इन्हें अभी तक कोई दूसरा सीरियल नहीं मिला, जिसकी वजह से ये गुमनामी की जिंदगी जी रही है। नंबर 5, चारू मेहरा। इसकी 5वीं कड़ी में चारू मेहरा का नाम शुमार है, तो आखिरकार क्यों ये गुमनामी की जिंदगी जी रही है? तो आपको बता दें, इन्हें आखिरी बार ब्रह्म राक्षस सीरियल में अभिनय करते हुए देखा गया था, जिसके बाद से ये गुमनामी की जिंदगी जी रही है। नंबर 6, मृणाल ठाकुर। कुमकुम भाग्य सीरियल में प्रज्ञा की छोटी बहन बुलबुल का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री मृणाल ठाकुर आखिरकार क्यों एक गुमनामी की जिंदगी जी रही है? तो आपको बता दें, ये टीवी इंडस्ट्री से गुमनाम है, काफी लंबा समय हो गया है ये टीवी में नहीं दिखी, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने में लगी है। नंबर 7, शिखा सिंह। कुमकुम भाग्य सीरियल में आलिया का किरदार निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री शिखा सिंह ने अपने नेगेटिव किरदार से लाखों करोड़ों दर्शकों के दिलों में छुरियां चलाई। तो आखिरकार क्यों वो गुमनामी की जिंदगी जी रही है? तो आपको बता दें, ये फिलहाल इन दिनों अपने बच्चे को पाल रही है, जिसकी वजह से ये गुमनामी की जिंदगी जी रही है। नंबर 8, पारुल चौहान। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में स्वर्णा का किरदार निभाकर मशहूर हो चुकी अभिनेत्री पारुल चौहान आखिरकार क्यों इन दिनों गुमनाम है? तो आपको बता दें, इनकी शादी अभी हाल ही में हुई है, जिसके बाद ये अपने पति के साथ अपने लाइफ के अच्छे पल बिता रही है। नंबर 9, लवनीन कौर। साथ निभाना साथिया में परिधि मोदी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री लवनीन कौर आखिरकार क्यों गुमनामी की जिंदगी जी रही है? तो आपको बता दें, इन्होंने जाने माने बिजनेसमैन कौशिक कृष्णमूर्ति से साल 2019 में शादी कर ली है, जिसके बाद से इनके हस्बैंड ने इन्हें एक्टिंग की दुनिया से दूर रहने को कहा है। नंबर 10, सोनम लांबा। इसलिए इसकी आखिरी कड़ी में सोनम लांबा का नाम शुमार है, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत देश की बेटी नंदिनी से की थी। तो आखिरकार क्यों ये गुमनामी की जिंदगी जी रही है? तो आपको बता दें, ये टीवी इंडस्ट्री से गुमनाम नहीं है, बस अपने सीरियल एक दूजे की परछाई में संध्या का किरदार निभाती हुई नजर आ रही है, और इस किरदार से ये ज्यादा मशहूर नहीं हो पाई। तो दोस्तों, क्या आप भी इन अभिनेत्रियों को एक बार फिर से टीवी सीरियल में अभिनय करते हुए देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप हमें अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।